नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच देश और दुनिया की इकोनॉमी का हाल काफी बुरा है। एक चीन को छोड़कर दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की जीडीपी नेगेटिव में चली गई है। इसी बीच सोमवार को भारत में भी पहली तिमाही की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चिंताजनक है। जीडीपी में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अच्छी खबर ग्रामीण भारत से आ रही है। इस साल कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां सकारात्मक ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है। अच्छे मॉनसून के कारण इस साल कृषि का रकबा भी बढ़ा है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर गांव पहुंचे, इसके कारण भी कृषि कार्यों में तेजी आई है। कृषि क्षेत्र में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.4% की वृद्धि हुई। बीते साल 2019-20 की इसी तिमाही में कृषि सेक्टर में 3% की वृद्धि हुई थी, यानी बीते साल के मुकाबले कृषि में बेहतरी दिखी है। निर्माण क्षेत्र में GVA वृद्धि में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 50.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। खनन क्षेत्र उत्पादन में 23.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले 2019-20 इसी तिमाही में 4.7% की वृद्धि हुई थी। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवा क्षेत्र में भी 2020-21 की पहली तिमाही में 7% गिरावट आई, जबकि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 8.8% की वृद्धि हुई थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद देश भर में लागू किए गए बेहद सख्त लॉकडाउन को इस गिरावट की वजह माना जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जैसे क्षेत्र जिनका देश की जीडीपी में लगभग 45% हिस्सा है, पहली तिमाही के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिससे आर्थिक ताना बाना चरमरा गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।